हाय हाय गाइस, गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा खुर्रम। नाम आजाद। तो करते क्या नहीं है यार, पटक के मार के रख दिया है भाई वृत्तासुर को। अब आगे देखते आगे होते हैं कि वृत्तासुर आखिर क्या करता है। तो कौन ऑन कर दे स्टार्ट। लाला शेर से पाला पड़ा वृत्तासुर। अब ये देख बड़ी तलवार निकल आ रही है। और हाय हाय हाय, कार्तिका जी ने तलवारें मस्त निकाली। हाय 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 हाय, बहुत फास्ट है यहाँ। कार्तिका जी से जो थोड़ी डांट सकता है, ये तो सिर्फ कुछ को पहचान नहीं पाती। ना कार्तिका जी जाते तो इसको मार सकते थे। कार्तिका जी जैसों में जैसा है। सूर्यास्त होने को है, संधि प्रकाश का समय है ये। देखा शाम को ना दिन शाम ही ना रात, वृत्रासुर के अंत का यही समय उचित है। इसके पश्चात पता नहीं अवसर मिले ना मिले। इंतजार करेंगे तो योद्धा तो अच्छे होते, किंतु ये तो बताओ कि मेरा वध कैसे कर पाओगे? बता, मैं तो ब्रह्मदेव के वरदान से सुरक्षित हूँ। मेरी मृत्यु असंभव है, असंभव। ये वरदान मिल जाता भूल जाते हैं। ये ऐसे मौत होगी हर मकान पर। आया हर मकान पर छोड़ आई है यार। ये मेरी तुझे वरदान प्राप्त था ना कि तुझे धातु, लकड़ी, जल या मिट्टी से बने हुए किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। ना दिन में ना रात में। देख देख, ये ना दिन है ना रात, ना दिन है ना रात, संधि प्रकाश का समय है ये। मुझे लगता है कार्तिकेय जी भी तभी परेशान है, वो पीठ पीछे मार। मुझे देख किसे मृत्यु प्राप्त हो रही है। पराक्रमी देवराज इंद्र को चुनौती देने का परिणाम देख लिया मूर्ख। जब राजा ही ऐसा ऐसा कायर होगा हाँ। उसकी प्रजा में वीरता कैसे आएगी? देखा, पीड़ भी जवार करने वाला। तुम कभी नहीं सुधरोगे इंद्र। तुमने मेरे भाई का वध उस समय किया जब वो तपस्या में लीन था। जलंधर की माता को यानी कि जलंधर को भी पीड़ पीछे। असुर राज की माता अर्थात एक स्त्री का वध किया तुमने। इंदिरा देव जी को मुझ पर भी पीछे से आक्रमण किया तुमने। किसी पराक्रमी राजा का नहीं बल्कि कायर, क्रूर, निर्दय, तुच्छ मानसिकता वाले वाले व्यक्ति का परिचय है इंद्र। जलंधर आ रही।
अब इंदिरा देवी जी भागने इंदिरा देवी जी लेकिन कृतिका जी जब देखेंगे तो क्या होगा? ओ लगता है देख लिए, नजर पड़ गई है ना, और हु बहू भगवान शिव जी से ये देखिए देख कृतिका जी तो ओ भगवान देख लिया ना, अभी तो आपके बकरे रह गए कृतिका जी को दिए। तो जलंधर बड़े गुस्से में बजात कि मेरा भ्रम है या पिताजी का प्रतिरूप कैसे हो सकता है? जलंधर ने तो तलवार निकाल लिया, उन्होंने तो तलवारें गिरा दी कृतिका जी ने। ओ भाई ये क्या सीन है, जलंधर का जो है ना विकास तो बड़ा शक्तिशाली। हाँ बड़ा उठाओ बालक। जलंधर गुस्से में, हालांकि सूर्यास्त हो चुका है। जलंधर सूर्यास्त हो चुका है और युद्ध विराम भी घोषित कर दिया गया। अभी युद्ध करना नियमों के विरुद्ध होगा। भाई ना उनके पिताजी की भाई लुक वाला बंदा उनके सामने आ जाए। जलंधर जी को तभी शुक्राचार्य जी कह रहा था हल्के में ना लो, हल्के में ना लो। यार अब इनको क्या पता था वो पीठ भी जवान करेगा। लेकिन जिस तरह भी ये मौत तो लिखी हुई थी ना इसकी, भाई जो भी है लेकिन पीठ भी जवान किया अरे वार किया है। देवराज आपने जो वृद्धासुर के साथ किया वो युद्ध भूमि के नियम अनुसार उचित नहीं था। मरण है कार्तिके, ऋषि दधीचि ने अपनी देह त्यागी इसीलिए क्योंकि अस्थियों से बने इस वज्रास्त्र से वृद्धासुर का वध किया जा सके। वध किया जाए लेकिन पीड़ विजय थोड़ी ना किया जाए। उन्होंने इस बलिदान में कोई विलंब नहीं किया तो उनके इस बलिदान को सार्थक बनाने में मैं कैसे विलंब कर सकता था? लेकिन अगर सूर्यास्त हो जाता ना तो फिर ये मत भूलो इस प्रकार के युद्ध में जहाँ असुरों ने देवताओं पे आक्रमण कर तीनों लोक को संकट में डाल दिया हो वहाँ केवल जय और पराजय महत्व रखती है, नियम नहीं। इंदिरा देव जी तो बस कहता है कि बस जय और पराजय, बचे ये कोई नहीं। संभव संभव कैसे हुआ? ये तो लाला मतदान पार के जलंधर जी तभी तो कह रहे देवताओं ने इसकी हत्या कैसे कर दी? ज्यादा घमंड ना करिए, इसे तो वरदान प्राप्त था। तो है ना यार वरदान कैसे? हर वरदान का तोड़ा पूरा प्रहलाद के पिताजी को दे ना, कैसे भगवान विष्णु जी ने मारा था ना घर ना पार का क्या पता भगवान शिव जी बताए क्या पता कुछ नहीं पुत्र तो एक कुशल योद्धा का युद्ध भूमि में भ्रमित होना उचित नहीं। भगवान शिव जी पता चल गया जलंधर का रूप देखकर तुम इतने स्तब्ध हो गए अगर वो बात कर देता तो कि तुम्हें अपनी सुरक्षा का भी बोध नहीं रहा। यदि उसी क्षण शंखनाद नहीं हो तो जलंधर तुम पे आक्रमण कर सकता था। मैं क्षमा चाहता हूँ पिताजी, मुझसे चूक हो गई। चूक नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी यार मैं ध्यान रखूंगा कि दोबारा ऐसा कभी ना हो। उचित है पुत्र, किंतु वृत्रासुर से द्वंद्व युद्ध करके तुमने पुनः एक कुशल योद्धा होने का परिचय तो है। भाई निसंदेह ये कृतिके जी फिर गुस्से इन पे। वृत्रासुर का वध करने में इसने मेरे सहायक की भूमिका बड़ी कुशलता से निभाई। तो
क्या बोला है? और यही तो पीठ पीछे वार कर दे, ऊपर से वो कहते हैं कि भाई मेरी वजह से इस वज्रास्त्र को मैं स्वर्ग लोक पहुंचा देता हूं। वो तो हमें पता है इनकी आदत है यार, वो तो क्रेडिट खुद पे ही देते हैं। ये वहीं सुरक्षित रहेगा। देवराज कहाँ चल दिए? जरा सबर करिए। रोका क्यों है? हैं? जिम्मी मत करो। हाँ, ये नाले में रो। हो सकता है। मुझे इनकी पत्नी है ना यार। समझे एक तरह से इन्होंने भी बनी है। मेरी बात है। ये माता बड़ी भाग्यशाली थी। माता भाई छोटी सी बगीची जी की वाइफ बनी। अबे अपने नहीं यार, उसके दर्शन वो दर्शन शायद आई थिंक दर्शन के लिए लिया था। वो जो यूं कर रही थी। देख इस हथियार हक तो यार माता जी का ही बनता है। देख अगर सच्ची हिसाब से देखा जाए, क्योंकि हस्बैंड होंगे देर सब कुछ उनका यार, वो तो हस्बैंड थे। अब लेकिन भगवान शिव जी हर चीज सोच समझ के अब ये देखो शायद उनको देते हैं या क्या, या हो सकता है दर्शन के लिए भी दियो, क्योंकि जाहिर बात ही उनके हस्तियों से वज्र बना हुआ। और एक बात बताऊं, ऋषि दधीची जी ने ना समस्त संसार के कल्याण के लिए दिया है, लेकिन इनके इन्होंने अपने पति का बलिदान दिया है बहुत बड़ा। और दूसरे इंद्र देव जी ने यार क्या यार पीठ भी जब वार करके उसको मार दिया। असुर मरते मरते भी इनको ऐसी गंदी ललकार लगा गया कि भाई देखो इंद्र तुम्हारा तो काम यही है कि पीठ भी जब वार। त्रेशा को भी इन्होंने इसी तरह मारा, जलंधर की माता को भी इस तरह इन्होंने ही मारा। और इस तरह इनको यार मारना नहीं है, देखो मौत उसकी लिखी हुई थी, मारना था उसको। लेकिन यार इंद्र तेजी सामने से मारते हैं, वो ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह सारे देवता बदनाम हो जाते हैं। या एक बात बताऊं, हो सकता है क्योंकि ये जो टाइम होता है ना ये बहुत कम समय के लिए होता है, हो सकता है इंद्र देव जी ने, हालांकि उनकी आदत है पीछे मारने की, लेकिन टाइम गुजर, अगर टाइम गुजर जाता ना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सामने से लड़ते ना कार्तिक जी, जैसे कार्तिक जी कैसे लड़े थे उसे? अब कार्तिक जी यार, लेकिन वही बात है कि चलो अब मार तो दिए, मर तो गया। हाँ। लेकिन यार अब आगे देखते आगे होते है, क्योंकि जलंधर बड़ा गुस्से में। अब जलंधर तो उसी वक्त कह रहा था हथियार उठाओ हथियार उठाओ, वो तो शुक्राचार्य जी ने रोक और शंख बज गए उस टाइम, उन्होंने कहा था कि युद्ध रुकने का वो कर दिया। लेकिन अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो बाय।